सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फुल फैमिली जा रही है घूमने के लिए। आधी फैमिली अभी ऊपर ही है। हाय हाय गाइस, बबीता भी है, यहाँ रौनक है, लखुआ उधर है, लखुआ हाय। बस अभी दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं, और बारिश भी शुरू हो गई है। बस चलते हैं अभी। तो गाइज, आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है भैरों खाल। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं भैरों खाल, और हमें ये यहाँ पहुंचने में लगा तकरीबन 20 मिनट। बस अब करते हैं मंदिर के दर्शन। अब निकल रहे हैं भैरों खाल के लिए सारे। तो पहुंच गए भैरव खाल फाइनली, और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, और कहा जाता है कि आप यहाँ जो भी कुछ मनोकामना मांगो, यदि वो पूरी हो जाए तो आपको एक बार ज़रूर वापस यहाँ आना पड़ता है। और यह मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में तरपालीसैंण से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। आप भी यहाँ आइए, ज़रूर विज़िट कीजिए एक बार, और अपनी मनोकामना मांगिए। तो बस अब दर्शन करने के बाद हम थोड़ा उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे है अमृत सरोवर, और काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। ये है ग्राम बघेली, और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है ये आज़ादी का अमृत उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ अमृत महोत्सव अभियान के तहत शहीद श्री बद्री सिंह, श्री पगाली सिंह, श्री कुशाल सिंह को पुण्य स्मृति किया गया है। हमारे गांव से ऊपर है, वो सबसे ऊपर टॉप में कठ्यूड़ है। उधर उसके इधर आओगे तो ये डांडा सोंटा, उसके इधर आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको मिलेगा नोड़ी मैठाना, ये फिर गुलियारी, फिर ये आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे मदुरा माता जो मार्केट है, और ये जो है यहाँ पे अर्धनेश्वर धाम। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। और ये रहा चौरा, ये यहाँ पे चौरा स्कूल है, इंटर कॉलेज भी है, ऊपर चौरा गांव है, यहाँ पे चौरा से थोड़ा मार्केट भी है, और ये दो गांव यहाँ पे, एक ईड़ा है, एक नौगांव है एक। उसके बाद यहाँ आ जाओ आप, यहाँ ये देख लो, ये है सौंटी, जहाँ पे भी हम हैं, ये हम सौंटी में ही है, और उसके नीचे यहाँ तलगाँव है, उसके सामने वहाँ पर सुनर गाँव है, और सुनर गाँव से ऊपर सौंटी, और सौंटी के ऊपर यहाँ अभी हम जहाँ से ट्रिप करके आ रहे हैं भैरव खाल। लोग आते हैं काफी दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने। बढ़िया। फाइनली गाइस, भैरव जी के दर्शन के बाद अब हम आ गए अपने गांव, और मिलते हैं अगले वीडियो में।